सभी सम्मान्य साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दशरथ अगरिया एक बार पुनः एक नई विचारधारा के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सम्मान्य साथियों, आप सभी जानते हैं कि मार्च 2022 का महीना संगठन का महीना, यानी कि मार्च माह में हमने राष्ट्रीय लव प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत अंतर्गत जुड़े सभी ज़िलों में हमने एक शानदार मीटिंग का आयोजन लगभग सभी ज़िलों में किया, जहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार विचारधारा निकल करके हम लोगों के बीच में आए, जिसको आप सभी ने YouTube के माध्यम से सुना भी है और देखा भी है। जी हाँ साथियों, आज हम पुनः एक वीडियो जिला अनूपपुर से लाए हैं, जहां संगठन की शानदार वीरांगना श्रीमती लक्ष्मी अगरिया जी अनूपपुर ज़िले में नोडल रही हैं और उन्होंने अपनी विचारधारा को जिला अनूपपुर में लोगों के बीच में रखा है, जहाँ उन्होंने महिलाओं को आगे लाने और समाज को शिक्षित करने एवं समाज को नशा मुक्त बनाने पर अपना विचार शानदार तरीके से दिया है और अवश्य ही वो एक प्रेरणा देकर सभी को जाता है। तो साथियों, मैं हर बार की तरह यही कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि इस चैनल पर हम अगर ये समाज संगठन भारत की संपूर्ण गतिविधियाँ एवं अगर ये जनजाति से संबंधित जानकारियाँ एवं अन्य अच्छे सामाजिक मोटिवेशन विचारधाराएँ आप लोग के लिए लाते रहते हैं साथियों। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से संगठन के कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशन मिलता है और हम और भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और साथियों, सबसे मुख्य बात कि वीडियो को कृपया शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से संगठन की गतिविधियां लोगों तक पहुँचती हैं, लोग हैं संगठन से जुड़कर संगठन को समझते हैं और सामाजिक उत्थान एवं विकास की धारा में अपना योगदान देते हैं। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। आगे नहीं खड़ा करेंगे तो क्या आप लोग दूसरे से अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरे जगह अगर हम मीटिंग में जाएं तो दूसरे जगह उस मंच के नीचे महिलाएं बैठे मिले हमें, हमारे स्वागत की कड़ी में हमारे स्वागत करें? यहाँ कोई भी महिलाएं नहीं, सिर्फ 3 ही महिलाएं। क्या इतना बड़ा अनूपपुर है, अनूपपुर इतना बड़ा जिला है, यहाँ महिलाएं नहीं हमारे अगरिया समाज में? मैं जानना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग मैं जो बोल रही हूँ उसे अगर सक्षम होंगे तो बताइए। अगर मैं बोल रही सही बोलती होंगी, सक्षम होंगी सभी लोग, जोरदार ताली बजाइए। सक्षम है मेरी बातों से? क्या महिलाओं को आगे रखना चाहते हैं? जो आगे रखना चाहते होंगे हाथ खड़े कर दीजिए, और जो नहीं रखना चाहते होंगे उनसे मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगी कि महिलाओं को आगे लाइए, क्योंकि महिलाएं वो हैं जो आपके संगठन को मजबूत कर सकती हैं। महिलाओं में वो ताकत है, क्योंकि आप जिस कदम पे चलते हैं उस कदम से कदम मिलाकर चलना जानती हैं वो। अगर आप उनका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि हम लोग महिलाओं की वजह से यहाँ आए हैं। महिलाओं को मीटिंग में जोड़ना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि पुरुष तो हर जगह पहुँच जाते हैं, उनका सम्मान हर जगह हर स्थानों पर होता है। क्या महिलाओं का सम्मान होता है? हमें इतना बड़ा मंच मिला है, राष्ट्रीय लौह प्रगलक का मंच, कितना बड़ा मंच है। हमारे अगरिया समाज विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। कहते हैं कि हम बहुत आगे हैं, जिस जगह से हम आगे हैं, क्योंकि हम अपनी सोच को तो बहुत छोटे रखे हैं, तो हम कहाँ हैं आगे? हैं क्या? आपको लगता है हम आगे हैं? हमें आगे बनाना है, हमें कदम से कदम मिला के चलना है। अगर आप लोग महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे, क्योंकि महिलाओं में वो ताकत है, वो लड़ सकती हैं अपने समाज के लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। और नशा, जो नशा होता है, क्योंकि हम लोग नशीले पदार्थ को एकदम खुशी से सेवन करते हैं, क्या हम कभी सोचे हैं वो नशा को छोड़ के वो जो 10 पैसे हम लोग नशे में व्यर्थ करते हैं उसे हम अपने बच्चों के भविष्य में लगाएं, उनके पढ़ाई लिखाई में लगाएं? अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, अगर 50 रुपए भी अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उनके पढ़ाई के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 50 रुपए आप अपने परिवार के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ना कि नशे के ऊपर, क्योंकि नशा करके आपको क्या मिलेगा? क्या आप उसे अमर हो जाएंगे? क्या अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं सकते हैं ना। तो नशा को छोड़ दीजिए, शिक्षा प्रदान कीजिए अपने बच्चों को, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा की वजह से ही हर कोई बहुत आगे तक जा रहा है, बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि अनुभव उनका बहुत ऊंचा है। हमें अपने अनुभव को छोटा नहीं रखना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आदिवासी हैं तो हमें सेवन करना चाहिए शराबों का, क्योंकि हम देवी देवताओं से सभी मानते हैं, पर उन्हें चढ़ाया जाता है,
तो चढ़ाइए, बस वहीं तक सीमित रखिए। पीने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप पिएंगे तभी लगेगा? क्या आपकी देवी देवता बोलते हैं कि आप सेवन करेंगे उसे तभी हम मानेंगे कि हमें चढ़ाया गया है? बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, तो आप उसका सेवन क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए हमें उनका सेवन, क्योंकि जो घर में महिलाएं होते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं आपके शराब से, क्योंकि जो भी आप कमाते हैं वो उसी में लुटा देते हैं। क्या आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मैं तुझे बहुत आगे तक पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, तुम पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं। क्या आप बोलते हो अपने घरों में, अपने परिवार में? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप बोलते होगे तो जोरदार ताली बजाइए। क्या आप मेरी बातों से सहमत नहीं है? सहमत है ना? सहमत है। तो आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए, महिलाओं को आगे रखिए, क्योंकि महिलाएं ही वो है। जैसे इस घर में हम लोग आए हैं तो यहाँ पुरुष ही है, महिला नहीं है घर में, तो इन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर में महिला हो, जहाँ महिला सक्षम होती है, शिक्षित होती है, वहाँ परेशानियाँ ज्यादा नहीं होती है। थोड़ी बहुत परेशानी कहाँ नहीं होती है, पर आपको शिक्षित होना है। मैं एजेंडा के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे प्रतिमान संगठन सहयोग की राशि 500 है। जैसे हम लोग अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, जैसे बहुत अति गरीब है, किसी को पढ़ाई में कहीं कुछ दसघात रोग छठी उठी है, बहुत मतलब गरीबी स्थिति में लोग रहते हैं। अगर हम लोग अपने 100 रुपए 50 रुपए अगर उन्हें प्रदान करेंगे, उन्हें बहुत सहयोग मिलेगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी मतलब प्रदान करना चाहिए। और प्रतिमा अपने जिले में एक जिला स्तर पर समस्त कार्यकर्ता एवं स्वाजित बंधुओं के साथ बैठक, ये बैठक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बैठक करेंगे तभी सब कुछ जानकारी होगी और सबको मतलब अनुभव होगा हमारे समाज के बारे में। तीसरा है, शनिवार को राष्ट्रीय स्तर की होने वाली ऑनलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग में हमने बहुत मतलब सभी लोगों से बोलते हैं आइए मीटिंग में जुड़िए, खासकर महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बस अपना 1 घंटा दे दीजिए, उतना ही बहुत आभार होगा हमारे लिए। ऑनलाइन मीटिंग में शनिवार को संगठन समाज में कोई शोक संदेश समाचार, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बाकी लोग बोलेंगे क्योंकि बहुत लोग यहाँ हैं बोलने के लिए। मैं इतनी ही बोलना चाहूंगी और बोलूंगी, हमारे समाज को आप लोग मजबूत कीजिए, महिलाओं की बहुत जरूरत है हमारे समाज में। और राष्ट्रीय लौह प्रगलत अगर यह समाज है, इतना बड़ा मंच है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। और मैं बोलती हूँ कि आप लोग एक नारा लगाइए, भारत माता की अगरिया समाज की। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद।